विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार कर मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता विद्युत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में अभियंता सोमदत्त शर्मा ने बताया कि संघर्ष मोर्चा द्वारा 36 दिनों से निजीकरण के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। सोमवार से विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक न लगने के कारण पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने बताया मांगे पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभियंता सोमदत्त शर्मा ने कहा, मिलने की कोशिश की है, मेहनत की है और कुछ सोच समझ के किया है। अगर हम पीछे हटे तो पीछे हमारे पीछे लगने वाले बहुत लोग हैं, बहुत केले डर जाएंगे, तो उन सबको संभालने की जिम्मेदारी भी हम लोगों पर ही है। 400 साल पहले कभी अंग्रेज आए थे और उन्होंने धीरे धीरे व्यवस्थाओं का निजीकरण ही किया था और पूरा नियंत्रण ले लिया था। पहले भारत की 62% अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े घरानों के हाथ में थी और आज़ादी के 25 साल तक दुनिया का सबसे स्लो प्रोग्रेसिव कंट्री भारत था। सरकारीकरण योजनाओं का बहुत आवश्यक है और उसके बाद से अगर आप देखेंगे चीज़ों को थोड़ा स्टडी करिएगा तो पाइएगा कि देश की प्रगति में बढ़ोतरी हुई है। निजी घराने सिर्फ अपने संसाधन पे हैं, वो अपने मनमाने तरीके से चलाते हैं। सोमदत्त शर्मा, ये निजीकरण के विरोध करने के लिए 36वें दिन आज हमारा है, ये 36वां दिन आज प्रदर्शन का। सरकार को हम ये भी नहीं कह सकते कि उसकी जानकारी में नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री भी कल मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने निजीकरण को रोकने की अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन पता नहीं कुछ चेयरमैन साहब या उनके जितने भी और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे हों उनके दिमाग में क्या है, कैसा उनका कोई उन पर किसी का एहसान है या क्यों, क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है, ये पता नहीं चला कि उन्होंने अंतिम समय पर समझौते पत्र पर सिग्नेचर करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और 2 दिन का समय लेने के लिए कह दिया, जबकि जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता के नुमाइंदे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समझौते पर शामिल कर दीजिए। जनता हमारी साथ है, सरकार हमारी साथ खड़ी थी, पता नहीं सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है कि ऐसे भ्रष्ट, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि हो सकता है कि बैकडोर से या तो उनको कोई ये आदेश मिला हो कि आप मना कर दीजिएगा, ये तो सरकार और चेयरमैन साहब जानेंगे, लेकिन क्यों हुआ ये सोच का विषय है। इतनी अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए थी। मांग नहीं माने जब तो क्या करेंगे? हम मांग नहीं मानने पर हम अभी तो धरने पर बैठे हुए हैं, कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं, फिर हमारा जो भी केंद्रीय नेतृत्व कहेगा हम उसका अक्षर से पालन करेंगे, चाहे वो आमरण हो, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे आमरण अनशन हो और चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, जो भी वो कहेगा, जो भी वहाँ से नीतियाँ बनेगी हम उसका अक्षर से पालन करेंगे।